लड़खड़ाती जबां बोल उठी, कांपती लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाए। कांपते लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाए। कांपती लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाए। कांपती लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाइए। कांपती लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाइए। सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको को एक बार में मिसरा याद है। जरा ऊंची आवाज में सबको आवाज देने, और ऊंची आवाज खुल के शर्माओ नहीं, सबको आवाज देने। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको आवाज देने है मेरे सरकार आ जाए। कांपती लड़खड़ाती जबां बोल उठे, है सदाए गुनहगार आ जाए, है सदाए गुनहगार आ जाइए। एक शेर सुनना, सुन के बताना, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार, घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चराहा या रसूल अल्लाह। खुल के कहो आवाज देने। बताना ये शेर सुन लेना, मैंने बहुत मेहनत से कहा। सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, मैं मुसलमान हूँ और परेशान हूँ, या नबी आपका हो सदा खान हो, या नबी आपका हो सदा खान हो। मैं मुसलमान हूँ और परेशान हूँ, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है। आप बन कर तरफदार आ जाए, दुनिया वाले मिटाने को तैयार है। सबको आवाज देने, आप हैं मेरे से।
और खुल के सबको कहना पड़ा है, बहुत कहना पड़ा है, आदत बन गई है। हिंदुस्तान में रोज जाता हूँ, जो लोग सोशल नेटवर्क पे हैं वो देखते होंगे, आदत बन गई है कि बहुत ज्यादा लोग जब बोलते हैं तब मेरा दिल लगता है, तो मैं चाहता हूँ आप बोलें ताकि आपके नामाए आमाल ज्यादा अच्छे हों। जरा ऊंची आवाज में सबको आवाज देने, सबको आवाज देने का क्या फायदा, अब है मेरे सरकार आ जाए, अब है मेरे सरकार आ जाए, आखिरी वक्त है कोई चारा नहीं, मरने वाले का कोई सहारा नहीं, मरने वाले का कोई सहारा नहीं, आप ही को नजर ढूंढती है अभी, आप ही को नजर ढूंढती है अभी, आप ही को नजर ढूंढती है अभी, आप ही को नजर ढूंढती आप ही है मददगार आ जाए, सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप है मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार, मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस। और खुल के सबको आवाज देने, आप हैं मेरे। एक और बड़ा शेर पढ़ो, शेर जाया नहीं होगा, ठीक है? सुनिए भाई, इधर तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। मैं भी पहले बच्चा था, फिर अब नात पढ़ा, अल्लाह करे ये बच्चा जो है ये भी नात खाओ और आप भी नात खाओ, तो इधर तवज्जो दें। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब हुजूर का जिक्र सुना करो तो दिल लगाया करो ताकि दिल मुनव्वर हो जाए। मोहब्बत के साथ कितना अच्छा पढ़ा। एक शेर सुनिए और सुन के बताओ। रोज बातिल के तानों से रोता है दिल, जुल्म का राज है हर तरफ मुस्तकिल, रोज बातिल के तानों से रोता है दिल, जुल्म का राज है हर तरफ मुस्तकिल, फिर अता करने इस्लाम को हौसला, फिर अता करने इस्लाम को हौसला, फिर अता करने इस्लाम को हौसला, ऐ उमर लेके तलवार आ जाइए, फिर अता करने इस्लाम को हौसला, ऐ उमर लेके आ जाइए। बाप माँ के वफादार बेटे बैठे हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे वालदैन पे बहुत ज्यादा कलाम सुनते हैं बंगाल और बिहार में और उड़ीसा में। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुन के बताइएगा, जितने माँ के वफादार, माँ बाप के वफादार बैठे हैं सुनिएगा। आप आ जाइए, आप आ जाइए, फिर अता करने इस्लाम को हौसला, ऐ उमर लेके तलवार आ जाए, उसकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा, उसकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा, उसकी खिदमत से राजी हुए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा है
खुदा की रजा उसको जन्नत पुकारेगी, महशर के दिन उनको जन्नत पुकारेगी, महशर के दिन बाप माँ के वफादार आ जाए उनको जन्नत पुकारेगी, महशर के दिन बाप माँ के वफादार ऊंची आवाज में सबको आवाज देने। अल्लाह ये जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह इन सबको मदीना दिखाए। जो लोग खामोश बैठे हैं मैं सिराज भाई से कहूंगा, ताबानी साहब से, कि आप दुआ करें कि ये बोलने लग जाए, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ मोहब्बत के साथ। आ जाइए एक मेरा पसंदीदा शेर, सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, बिस्तरे मर्ग पर इश्क बेताब है, रोजे अव्वल से बस एक ही ख्वाब है, आप आ जाइए दम निकल जाएगा, आप आ जाइए दम निकल जाएगा, कह रहा है ये बीमार आ जाइए, आप आ जाइए दम निकल जाएगा, कह रहा आंखों में दम रुका गए किसी के लिए जरूर, आंखों में दम रुका गए किसी के लिए जरूर, वरना मरीज हिजर को मर जाना चाहिए। एक एक साहबी दम नहीं निकल रहा, रूह नहीं निकल रही, सहाबा हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह फला सहाबी है उनका दम नहीं निकल रहा, रूह परवाज नहीं हो रही। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसा है, चलो जैसे ही हुजूर जाते हैं उनके दरवाजे पे जैसे ही हुजूर के कदम पड़े उनकी निगाहों ने हुजूर को देखा रूह निकल गई। मैं यही कह रहा हूँ आप आ जाइए दम निकल जाएगा, कह रहा है आ जाइए, कह रहा है ये बीमार, कह रहा है ये बीमार, आ जाइए आप आ जाइए दम निकल जाएगा, कह रहा है ये बीमार आ जाइए, कह रहा है ये बीमार आ जाइए, इस करम के तोला एक नहीं है नजर, ये तकाजा है रहमत का ये सोच कर, कह रहा है ये नूरे मुजस्सम हुजूर, कह रहा है ये नूरे मुजस्सम हुजूर, इसको करना है दीदार आ जाइए, कह रहा है ये नूरे मुजस्सम हुजूर, इसको करना है दीदार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, ऊंची आवाज में सबको आवाज देने। ये कलाम भी आप लोगों ने पढ़ दिया, अब एक कलाम और पढ़ूं, कितना सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएं, जितने लोग सुनना चाहते हैं और जरा मुस्कुरा के सुनना चाहते हैं तो पूरी ताकत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। अब एक कलाम पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा है इसको और देखा है कैसे लोग बोलते हैं, मैं यहां के लोगों को देखना चाहूंगा, उधर हमारे भाई पीछे बैठे हैं, आप सब सलामत रहें, मैं नहीं कहूंगा आप आगे आ जाएं, अगर आपका दिल करे तो आप सब आ सकते हैं, अदरवाइज बैठे रहें। सुनिए सुनिए कुरान का